देख रहे हम लोग मोल होता क्या है, तो सिंपल एक क्वांटिटी यूनिट है, जैसा कि दर्जन होता है, दर्जन सुने हो, यस एक दर्जन मतलब कितना पीस होता है भाई, 12 पीस। जैसे दर्जन होता है वैसे सिंपल क्वांटिटी यूनिट है आपका मोल। एक दर्जन मतलब कितने पीस होते हैं, 12 पीस। दो दर्जन बोलोगे तो कितने पीस होते हैं, कितने पीस ट्वेंटी होंगे फोर दो दर्जन में, ट्वेंटी फोर 24। अगर 3 दर्जन हुए तो 36 क्लियर है। 36 अगर मैं 36 आधा दर्जन बोलूं तो6 6 बस मोल भी ऐसा है। मोल मतलब कितने पार्टिकल, 1 मोल इक्वल टू दर्जन। अब 1 मोल 6.02। इक्वल टू 6, सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, N8, N0 और N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल मतलब 6 पार्टिकल, कितने पार्टिकल, सिंप्लिसिटी के लिए समझने के लिए, 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 6। तो 2 मोल मतलब कितने पार्टिकल होंगे भाई, जैसे 12 पीस का एक 12 दर्जन है तो 6 पीस को क्या बोलोगे, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 6 छह। तो 2 मोल मतलब कितने 6.2 पार्टिकल, इनटू 10^20। 2 मोल मतलब, रुकना ट्वेल्व बेटा, 2 मोल 12, 3 मोल मतलब 18। 18 तो दिमाग में ये साथ में, लेकिन एक्चुअल में होता है 10^23, ये मल्टीप्लाई भी होगा। तो 1 मोल मतलब 6 पार्टिकल, 2 मोल मतलब 12, 3 मतलब 18, लेकिन साथ में क्या चलना चाहिए, 10^23, 10^23, 10^23। ठीक है ना, दिमाग में साथ में इंटू होना चाहिए, एकदम एग्जेक्ट वैल्यू चाहिए तो 0.2। क्लियर है सभी को, यस सर, यस सर, मोल कंफ्यूज नहीं करेगा। मोल मतलब सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट है, जैसा कि होता है दर्जन। तो किसी को कोई तकलीफ है मोल को याद रखने में, कितने पार्टिकल से 1 मोल बोला जाता है, जैसे 12 पीस रहता है तो 1 दर्जन बोला जाता है, वैसे कितने मोल को 1 पार्टिकल बोला जाता है, कितने पार्टिकल को 1 मोल बोला जाता है। 6 पार्टिकल्स। और साथ में एक्यूरेट अगर लिखना है, दिमाग में चलना चाहिए 6, लेकिन साथ में 10^23 इंटू भी रहेगा, 6 लेके चलोगे तो दिक्कत कम होगा, तुरंत कैलकुलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। 1 मोल मतलब 6 पार्टिकल, तो 2 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 12, 3 मतलब 18, आधा बोला है तो 3। क्लियर है सबको, तो डेट मीन्स क्या कह सकते हैं भाई। हाँ तो पहला तो पॉइंट क्या था, इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल क्वांटिटी यूनिट लाइक दर्जन, लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट, द ग्रुप ऑफ 6.02 × 10^23 पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल, एंड 1 मोल ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Na, N0 और N, जिसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर मार्केट में गए, 1 मोल पेन लेने के लिए बोला, तो कितने पेन लेके आओगे भाई, सिक्स। सिक्स सिक्स छः हाँ, 1 मोल बुक लेने के बोला तो कितने बुक लेके आओगे, सिक्स। सिक्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बोला तो सिक्स, 1 मोल प्रोटॉन बोला तो भी सिक्स, 1 मोल न्यूट्रॉन बोला, ये भी क्या होगा, सिक्स 6 होगा ना, लेकिन साथ में क्या चलेगा, × 10^23 × 10^23 × 10^23 × 10^23 × 10^23। और एकदम एग्जेक्ट वैल्यू रखना है तो फिर 0.02, 0.02। ठीक है ना, 6 मान के भी चलोगे तो कैलकुलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आया, ये नोट करो पूरा। ब्लर बोलते हो? ब्लर वगैरह तो बेटा क्या करे, नेटवर्क तो ठीक लग रहा है। तो थर्ड पॉइंट देखो, बोल में मोल कहता है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बात किया जाए,
तो कार्बन 12 जो होता है, कार्बन के दो आइसोटोप बताया था, तीन आइसोटोप कौन कौन से भाई? 12 होता है कार्बन, कार्बन 13 होता 14, है 14, और कार्बन 14 मैं 12 12 कार्बन 12 किसकी बात कर रहा हूँ? कार्बन 12। जब कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा कार्बन 12 का 12 ग्राम, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कार्बन 12 का कितना ग्राम ले रहे हैं? 12 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ये इक्वल होंगे 1 मोल के। किसके इक्वल होंगे? 1 मोल। तो डेफिनेशन क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा? नोट कर देते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट present between, which is present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole. Note कर ये next definition. The total number of particles which is present between बोल रहे हैं प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल। ये आपको बुक का डेफिनेशन, जो आपके स्कूल के एग्जाम में या आपके कॉलेज के एग्जाम में नोट करना पड़ेगा 1 मोल का आया हुआ था। फर्स्ट और सेकंड समझने के लिए था, क्लियर है? इसे याद रखना है, ठीक है ना? एक मिनट। The total number of particles which is present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole. तो ये आपके स्कूल या आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं 1 mole। 12 gram of carbon लिखना necessary है सर? हाँ बेटा, कार्बन तीन चार है ना, 13 भी है 14 भी है, इसलिए आपको कार्बन 12 कंपलसरी वहां पे नोट करना है, मतलब करना है, नहीं तो डेफिनेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और एलिमेंट रहा तो गलत हो जाएगा। नोट के लिए तो मोल मतलब क्या है? सिंपल क्वांटिटी यूनिट है मोल। मोल क्या? सिंपल क्वांटिटी यूनिट। जिसका मतलब होता है नंबर्स बताएगा। वन मोल मतलब कितने नंबर्स? 6। दो मोल हुआ तो 12। आधा मोल हुआ तो 3। उसका आधा बोला तो समझ लो 3 का आधा 1.5। तो दिमाग पे बोझ जो है मोल का वो बहुत कम पड़ेगा। कई लोग 9-10 में पढ़ते हैं मोल, वहां पे अच्छा खासा तकलीफ देता है, देता है कि नहीं देता कई लोग को? हाँ ना, ये 9th और 10th मोल आ सकता हूँ ना सर? कई लोग को बहुत सताया होगा, क्या होता है, समझ में आया था वहां पे? यस सर। जब पूरी समझ में आया था उनको, क्लियर हो गया ना वो सब डाउट? मोल होता है क्या? एक क्वांटिटी यूनिट और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, बस तरीका अलग है इसको फाइंड आउट करने का। नोट कर लिए इसका मोल, समझ में आ गया क्या होता है? सबको स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में, जो भी आपका कॉलेज एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन में अगर पूछा मोल तो आपको ये लिखना है, एंड उसके बाद ये वाला डिटेल पूरा। इस साइड में ये जो बताया गया ना, वन मोल इक्वल टू इतना पार्टिकल, इतना एवोगाड्रो नंबर, ये कर लोगे इतना तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से दिमाग लगना स्टार्ट होगा आप लोगों का। मेन हेडिंग नोट करो, अब इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल। अच्छा, जैसे हम लोग दर्जन को यूज करते हैं डेली लाइफ में, ऐसे मोल को क्यों नहीं यूज कर सकते?
मार्केट जाके बोलते हैं एक दर्जन ये दे दो, एक दर्जन वो दे दो, आधा दर्जन ये दे दो, ऐसे बोलते हैं। मोल क्यों नहीं बोलते, इतना मोल दे दो, उतना मोल दे दो। मोल बड़ी क्वांटिटी बोल सकते हैं भाई, लेकिन यूज होता है छोटे पार्टिकल के लिए। हाँ, छोटे पार्टिकल के लिए। दुकान गए बोले भैया एक मोल केला दे दो, तो कितने केले देंगे भाई? 6.02200 उतना उसके लिए काउंट करना पॉसिबल है क्या? और उतना तुम एक बार लेके आ पाओगे क्या उतना? सर ला पाओगे क्या? नहीं ना। इसलिए क्वांटिटी बड़ी होने के कारण ये डेली लाइफ में यूज नहीं होती। और यूज किसके लिए होता है? एकदम छोटे पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। इसलिए ये डेली लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस कम होता है, तो हमको लगता है ये मोल कुछ अलग ही चीज है। और छोटे पार्टिकल के लिए भी यूज करो। देखो अब बोलेगा चावल का दाना सर एक मोल दे दो, दुकान में गए एक चावल का दाना मांग रहे हैं, एक मोल नहीं दे रहा है। वे चावल के एक दाने को काउंट करना इतना, हर एक दाने को मतलब 6.02 × 10²³ टाइम काउंट करना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है भी तो है, लेकिन एक दिन में पॉसिबल हो सकता है क्या? शायद एक दो जन्म लग जाए, उतना तो नहीं लगेगा, बट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा कि नहीं होगा? दुकान वाले को एक दिन में चावल ही बेचना है क्या? और भी चीजें बेचना है कि नहीं बेचना है उसको? यस सर। तो इसलिए वो डेली लाइफ में यूज नहीं होता, इसलिए ये उसकी बुक में दिखता है। तो उस समय कई लोगों को लगता है ये बहुत ही अलग ही चीज है। तो वापस आते हैं मेन मुद्दे पे, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो चुटकियों में मोल कैसे काम करे, ठीक है ना। चावल को इतना सारा चावल देखते है बोलता अरे यार इसके इधर कितना आधा कर दे, इसके इधर आधा कर दे, ये एक मोल निकल जाएगा, ये दो मोल हो जाएगा, ये एक मोल हो जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। देख के बता दो कि कितना मोल होगा करते हैं, बस एकदम त्रिकाल दर्शी बन जाओ। तो उसके लिए इस पर ध्यान दे, कैलकुलेशन ऑफ मोल पे। तो उसमें कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूला फर्स्ट या केस वन कर लेते हैं। तो केस वन में वेट पता होना चाहिए किसी चीज का। इफ वेट ऑफ कंपाउंड इज गिवन, बस लेकिन सब इन ग्राम, इसका यूनिट भी क्लियर होना चाहिए। किसमें गिवन होना चाहिए? इन ग्राम। वेट ऑफ कंपाउंड इज गिवन इन ग्राम। सब मोल निकालने का तरीका होता है, जो मोल होता है मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये भी याद रखना। गिवन वेट, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। गिवन वेट अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास, एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज है कंपाउंड तो एटॉमिक मास, अगर एटम नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास। अब ये फॉर्मूला बना है यूनिट से, अगर किसी को यूनिट मालूम होगा तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला क्यों बना है। गिवन वेट किसमें बताओ जल्दी? ग्राम में। ग्राम में। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। वैसे गिवन वेट ग्राम, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ग्राम ग्राम कैंसल, आंसर कितना आएगा? मोल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला बना यूनिट से, क्लियर है? यस सर। एटॉमिक मास का यूनिट भी ग्राम पर मोल होता है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी क्या होता है? ग्राम पर मोल। गिवन वेट को मैं रिप्रेजेंट हमेशा करता हूँ डब्ल्यू से, ठीक है ना। और एटॉमिक मास है तो उसके लिए एम वर्ड यूज करूंगा, एम, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास के लिए भी मैं जनरली एम वर्ड यूज करूंगा टर्म, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये पहला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे एक चीज का याद रखना भाई, ग्राम होना चाहिए। और कई लोग को आता नहीं भैया, फिर से नोट कर लो जिनको नहीं मालूम, और कई लोग को मालूम होते भूल जाते हो। 1 kg = 1000 ग्राम, मालूम है कि नहीं मालूम है? कई लोगों को पता नहीं रहता। यस सर। क्योंकि बचपन, ठीक है ना, बचपन का चीजें याद नहीं रखते।
जल्दी से नोट करो इसको, तब तक इस साइड में फॉर्मूला नोट करते हैं। अरे ब्लर है सर, सर ब्लर आ रहा है, सर हो गया है, ब्लर आ रहा है तो क्या करें बताओ। देखो केस टू में अगर वॉल्यूम गिवन है किसी चीज को, अगर पहले ग्राम में गिवन है क्वांटिटी मत, अब वॉल्यूम गिवन है, एक वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, तब क्या करना है आपको, जो मोल होता है वो n इक्वल टू होगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक डाटा जिसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर n लीटर है तो 22.4 से डिवाइड करोगे, अगर वॉल्यूम ml में है तो इन ml में होगा तो 2400 से डिवाइड करना पड़ेगा। V फॉर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, ये सब कुछ फॉर्मूले आपको एकदम रट लेना है। 22.4 अगर ml में है, इन ml तो 2400 क्यों करते हैं ये भी देख लो भाई। ऐसा देखा गया है कोई भी गैस, उसी को नोट करते हैं, वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर और 2400 ml वॉल्यूम, वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर और 2400 ml वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसलिए बोला जाता है मोल निकालते समय आपको अगर वॉल्यूम गिवन है तो किसे डिवाइड करना है, लीटर में है तो 22.4 से, अगर ml में है तो 2400 से। सेकेंड एक यूनिट वाला कन्वर्जन, वन लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, ml को भी बोला जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो क्या, एक लीटर में कितना एम एल, 10^3 एम एल, एम एल को बोला जाता है सेंटीमीटर क्यूब, ये सब यूनिट कन्वर्जन में काम आएंगे। वन लीटर को बोला जाता है डेसीमीटर क्यूब, ये सब चीजें याद रखना भाई, यूनिट कन्वर्जन में यूज होता है ये सब, नोट कर लो। अच्छा एक केस और बच गया है, केस थर्ड। अब नंबर गिवन है पार्टिकल का, पहले वेट गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, अब पार्टिकल नंबर के फॉर्म में गिवन है। इफ नंबर ऑफ कंपाउंड और पार्टिकल, नंबर ऑफ कंपाउंड और पार्टिकल इज गिवन, तब क्या करना है, तो मोल इक्वल टू एन नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल या फिर कंपाउंड डिवाइडेड बाय, बताओ छह पीस मतलब एक मोल है तो छह पीस मतलब एक मोल है तो 12 पीस इक्वल टू कितना मोल होगा, दो, बोलो टू मोल, दो होगा, 18 पीस हुआ तो थ्री, कैसे पता चला, 6.02 इंटू 10^23 से डिवाइड करने से, यही बना। तो ये चार फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के हेल्प से आप मोल बता सकते हैं, क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम गिवन है तो ये फॉर्मूला, अगर नंबर गिवन है तो वो, अगर वेट गिवन है मतलब अमाउंट या मास गिवन है, किसी अनलोन चीज का मोल निकालना है तो फिर वो वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला आप लो। तो यस सर,
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम एक फॉर्मूला तो क्लियर हो जाए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन गिवन क्वांटिटी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन गिवन क्वांटिटी क्वेश्चन। फर्स्ट इन 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, थर्ड 1.8 kg ऑफ ग्लूकोज, फोर 4.6 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल, एक ग्राम हीलियम गैस। तो बताओ मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल मतलब ए, एन का वैल्यू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, किसका, NaOH का, ठीक है ना। गिवन वेट कितना है बताओ, 2 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास कल का होमवर्क था कितना आया था भाई, 40, कितना आएगा 1/20, उसका सर का कितना आएगा 0.05। आया आंसर? यस सर। वैसे एन इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। सर 0.05 के आगे कोई यूनिट लगेगी? अरे मोल का मोल निकाले तो मोल आएगा ना भाई यहाँ पे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, गिवन वेट कितना पहले 200 कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, क्या होता बताओ, होमवर्क था ये सर। हंड्रेड है सर, 100 है, कितना आएगा 2 मोल। गिवन वेट कितना है 1.8 kg, ग्लूकोज का वेट कितना था 180 ग्राम पर मोल। तो मुझे ये बताओ ग्राम और केजी कैंसिल होगा, होगा क्या, नहीं सर, नहीं सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए बोला था इसको था ग्राम में होना चाहिए, मतलब इंटू क्या करोगे 1000 10 मोल, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डेसिमल कटेगा, यहाँ से 10 आएगा आंसर। यहाँ पे देखो गिवन वेट अपॉन, अब ये हीलियम एटम फॉर्म में है, एटॉमिक मास लिखोगे तो गिवन वेट कितना है 8। हीलियम एटॉमिक फॉर्म में है ना भाई, गिवन वेट कितना है 8, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हीलियम का, बोलो जल्दी, मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक मास कितना होगा हीलियम का, 4। कितना आएगा 2। तो कोई बड़ा चीज है क्या मोल कैलकुलेट करना। इथाइल एल्कोहल का वेट कितना था 46.1, समझ में आया सबको, आया कि नहीं आया भाई, एक बार ग्लूकोज रिपीट कर दो, ग्लूकोज क्यों मुझे समझ नहीं आया 1000 कैसे आया बेटा, ये किसमें है 1.8 kg, तो केजी को किसमें चेंज करना है, ग्राम्स, तो ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, इंटू 1000। आप कैसे नहीं समझ में आया,
बोलो और रिपीट करें? नो सर इट्स ओके. तो फर्स्ट आदत से हम मजबूर हैं. समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस सर. कर लो क्वेश्चन नोट कर लो आंसर ला लोगे तुम लोग. तो यार इतना मोल कैलकुलेशन में अगर वेट गिवन है हमेशा ग्राम में होना चाहिए क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास किसमें होता है? ग्राम पर मोल में. तो ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा ठीक है ना भाई. चाहे मिलीग्राम हो ग्राम हो माइक्रोग्राम हो या केजी हो सबको ग्राम में कन्वर्ट करने आना चाहिए.